इंदौर में अंगदान को बढ़ावा देने के संबंध में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सांसद शंकर ललवानी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया और अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। इसी तरह विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से भी ऑर्गन डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। सांसद ने कहा कि अंगदान के लिए ब्रांडेड मरीज का होना जरूरी है। इस विषय में कई दफा देखा गया कि अस्पतालों के बीच समन्वय न होने से ब्रांडेड मरीजों को परिजनों को अंगदान के लिए प्रेरित नहीं किया जा सका है, इसलिए इस संबंध में एक स्थायी नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो विभिन्न हॉस्पिटलों में समन्वय कर ब्रांडेड मरीजों की जानकारी एकत्रित करेगा जिसका उपयोग अंगदान के किया जाएगा। बैठक में संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, पद्मश्री जनक पाल्टा, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित, समाज सेवी संस्थाओं के सदस्य तथा निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। तो लेकर जो पहली बैठक हमारी जनवरी में ही थी उसके बाद हुई है और उसमें सभी पक्षों से चर्चा हुई। सबकी मंशा है कि अंगदान एक जन जागरण का अभियान चलाना चाहिए। अंगदान में इंदौर अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम कैसे कर सकता है, इसमें हमारे सभी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए जो एनजीओ हैं, वो हॉस्पिटल से जुड़े हुए डॉक्टर हैं, उन्होंने भी बहुत सारे सुझाव दिए और आने वाले समय में हम शनिवार को शाम को 6 बजे सभी हॉस्पिटलों नर्सिंग होम की एक मीटिंग एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बुला रहे हैं, जिसमें जो आईसीयू में जो काम करने वाले हमारे सभी डॉक्टर हैं, उसके साथ साथ जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इनका एक क्लब है, उस क्लब के डॉक्टर को भी बुला रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूरोलॉजिस्ट तय करता है कि ये ब्रेन डेथ है कि नहीं, और आईसीयू के भी डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल के भी, और हमारे जो इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी सामाजिक संगठन हैं, एनजीओ है, वो भी इसमें रहेंगे और उसकी बैठक लेंगे। ये बात जरूर है कि इसका प्रचार प्रसार हो, खास करके नेत्रदान को लेकर। इंदौर में अच्छा काम हो रहा है लेकिन आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी नेत्रदान हो और नेत्रदान करने वालों को प्रशिक्षण भी हो, इस बात को लेकर शनिवार को एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। हमारे सबकी मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान हो, जिस प्रकार स्वच्छता में हम नंबर वन आए, अंगदान में भी शहर आगे रहे, ये प्रयास रहेगा। मीटिंग में जब चर्चा की गई तो क्या सामने है कि पिछले कुछ दिनों से अंगदान कम हुआ, उसके रीजन? देखो, अभी कोरोना के कुछ कंपल्सरी टेस्ट भी किए जाते हैं, जो कोरोना की थर्ड वेव थी उससे कुछ संख्या में गिरावट आई है, क्योंकि कोरोना के टेस्ट है और कैट स्कैन भी करना होता है। अब फिर उसको तेजी पे लाना है क्योंकि कोरोना की वेव समाप्ति की ओर है और उसी के लिए आज सांसद जी के नेतृत्व में बैठे हैं। 26 तारीख को, जैसे सांसद जी ने, 12 तारीख को सांसद जी ने बताया, सभी डॉक्टर्स के साथ और सभी हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटर के साथ एक बड़ी बैठक रखेंगे और उम्मीद करेंगे फिर स्पीड को प्राप्त करें। सर, क्या ये फिगर भी सामने है कि आरटी कुछ कम हुई है? नहीं, अब ये तो मैंने कमिश्नर पुलिस से बात की है, देखते हैं क्या रिपोर्ट प्राप्त होती है। नहीं, पर आज जो बैठक में अस्पतालों की तरफ से जो फीडबैक आया है, उनका कहना है कि रोड एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, ऐसा पेशेंट्स आ रहे हैं। एक बार अपन कमिश्नर पुलिस से भी डाटा लेके चेक करेंगे, अगर ये है तो और खुशी की बात है कि रोड एक्सीडेंट कम हो, तो अगर ऐसा है तो उससे संख्या में गिरावट आएगी, पर अपन जन जागरण से उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे।